नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। लहार विधानसभा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विनोद तिवारी की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा आंदोलन का आगाज कर दिया है। जानकारी के अनुसार लहार विधानसभा में लगातार अंधाधुंध बिजली कटौती के चलते लहार विधानसभा प्रभारी एवं बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव डॉक्टर विनोद तिवारी की अगुवाई में लहार में बड़ी रैली का आगाज यहां पर किया है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में लालटेन लेकर के वो निकल पड़े हैं और बिजली विभाग के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। जानकारी के अनुसार लहार से डॉक्टर विनोद तिवारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। ऐसे में उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ चल रही लगातार लापरवाहियों को उजागर करते हुए जमकर नारेबाजी की है। आइए देखते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर बहुजन समाज पार्टी का सीधा कवरेज। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी देना पाई, बस सरकार निकम्मी है। बिजली पानी देना पाई, बस सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये 24 घंटे में 48 बार कम से कम बिजली जाती है। गांव का आदमी और नगर का आदमी मच्छरों से परेशान है, लाइट से परेशान है। वो अपने आप में अच्छी नींद ले नहीं पा रहा है, उस कारण बीमार हो रहा है। इसके साथ साथ जो कोरोना चल रहा है उसकी भी ज़्यादा संख्या बढ़ने की संभावना पाई जाती है बगैर लाइट की। मैंने कल डी साहब से चर्चा की, दिनांक 18 तारीख को 11 बजे बिजली विभाग को एक ज्ञापन समस्याओं के निराकरण के लिए दिया जाएगा। मुझे ये पता नहीं था, उन्होंने ये कहा कि मेरी MD की मीटिंग है और वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं भिंड जा रहा हूँ। आपको डॉक्टर साहब यही राज यही मिलेंगे। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ के अधिकारी इतने डरपोक और लापरवाह हैं कि जनता की आवाज़ को वो सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन से मिलकर ये समाज बना हुआ है, बहुजन समाज जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो बाबा साहब ने हमको दिए हैं वो हम लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कितनी बड़ी त्याग कुर्बानी करना पड़े। मैं आगाह करना चाहता हूँ या जो भी यहाँ कर्मचारी है को अपने डी से बात करे या जेई से बात करे या यही से बात करे, यहाँ आके हमारा धरना है, यहाँ आकर हमसे ज्ञापन ले, वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि वो भी जानते हैं जब जनता मचल जाती है, जनता क्रांति मचा देती है, तुम तो बेचारे अधिकारी हो, इस देश की जनता ने अंग्रेजों को भी मार मार के भगा दिया है। मेरे साथियों, आप हम सब जब तक यहाँ बैठेंगे तब तक यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ जाता है। उन्हें इसके बाद चाहे वो रात हो जाए, दिन हो जाए, कल या परसों, कब तक नहीं आएंगे, या चैनल के अंदर बैठेंगे, चैनल के बाहर बैठेंगे।